सुप्रभात छात्रों, आरसीआई एजुकेशन हब बांसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम और बेटा टॉपिक हमारा चल रहा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के चतुर्थी व्यक्ति नम्रे स्वस्ति स्वाहा स्वेदा फसट योगाश्च चतुर्थी व्यक्ति भवति। नमय स्वस्ति स्वाहा स्वेदा वसट, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमय नमय का अर्थ होता है नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा आहुति, स्वेदा हविका दान, वसट हविका दान, अलम समर्थ। एक अलम का प्रयोग हुआ था बेटा हमारे करण कारक में तृतीय विभक्ति में, लेकिन उसमें तो था अलम का अर्थ यानी कि अधिक मत करो, लेकिन इसमें है समर्थ। इसमें अलम का अर्थ क्या है? समर्थ। तो समर्थ अलम का प्रयोग जहाँ समर्थ के लिए होता है तो वहाँ चतुर्थी व्यक्ति, और जब मना के लिए होता है, निषेध के लिए होता है, तो वहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, पहला उदाहरण है हमारा गणेशाय नमः, यानी गणेश जी को नमस्कार है। तो गणेश शब्द आकारांत है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है, चतुर्थी एकवचन में प्रत्यय लगा हुआ है आय, ठीक है, गणेशाय नमः। अब पूछा जाए, प्रश्न पूछने जाए कि रेखांकित पदे विभक्ति कारणम छे लिखत, तो आपको लिखना होगा नमः योगे, नमः योगे गणेशाय, गणेशाय शब्दे चतुर्थी विभक्ति वर्तते, चतुर्थी विभक्ति वर्तते, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। अगला है रामाय स्वस्ति, यानी राम हमारा क्या करे? कल्याण करे, ठीक है। तो स्वस्ति जहां शब्द आ गया है तो यहाँ पर राम शब्द में कौन सी व्यक्ति लग जाएगी? चतुर्थी व्यक्ति लग जाएगी, ठीक है। कारण में क्या लिखोगे? स्वस्ति योगे रामाय शब्दे चतुर्थी व्यक्ति वर्तते। इसके बाद है स्वाहा आहुति, प्रजापति स्वाहा यानी प्रजापति के लिए आहुति प्रदान करना, ठीक है। तो प्रजापति शब्द में क्या हो जाएगा? चतुर्थी व्यक्ति प्रजापति, प्रजापति इकारांत शब्द है, तो इसमें चतुर्थी एकवचन में क्या जाएगा? प्रजापति, ठीक है, प्रजापति स्वाहा। इसके बाद पितृव्य स्वधा, इन पितृ देवताओं के लिए क्या है? हवि का दान करना, तो ये चतुर्थी बहुवचन में आ जाएगा पितृ देवताओं के लिए, यानी कि चतुर्थी बहुवचन में पितृव्य, ठीक है, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो गया है। और कारण पूछा जाए तो स्वधा योगे पितृव्य शब्दे चतुर्थी व्यक्ति वर्तते। इसके बाद है वशट, वसट का अर्थ भी क्या होता है? हवि का दान। सूर्याय वसट यानी सूर्य के लिए, सूर्य देव के लिए हवि का दान करना, ठीक है। तो यहाँ सूर्याय शब्द में कौन सी व्यक्ति लग जाएगी? चतुर्थी व्यक्ति लग जाएगी। कारण पूछा जाए तो वसट योगे सूर्याय शब्दे चतुर्थी विभक्ति वर्तते। इसके बाद है अलम, अलम का अर्थ क्या है? समर्थ। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारण में भी अलम का प्रयोग किया जा रहा है और करण कारक में भी अलम का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उसमें निषेध के अर्थ में है, मना के अर्थ में है, और इसमें अलम का प्रयोग समर्थ के अर्थ में है। ध्यान रखना, समर्थ के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होगी और निषेध के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी? अलम में तृतीय विभक्ति होगी। दैत्येभ्य हरि अलम, यानी देवताओं के लिए हरि क्या है? समर्थ है। देवताओं के लिए हरि क्या है? समर्थ है। इसलिए यानी कि दैत्येभ्य, सॉरी दैत्येभ्य, ये चतुर्थी बहुवचन हो गया है, ठीक है ना, इसलिए इसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो गया है। अगर इसमें कारण पूछा जाए तो आपको करना होगा अलम योगे चतुर्थी व्यक्ति भवति, ठीक है। दैत्यों के लिए हरि क्या है? समर्थ है। दैत्यों के लिए क्या है? हरि समर्थ है। इसलिए अलम योगे दैत्येभ्य शब्दे चतुर्थी विभक्ति भवति। इसके बाद है धारे रुक्तमारणय, धारे रुक्तमारणय ऋण यानी धारण करना, इसका क्या है? धारण करना। धातु प्रयोगे चतुर्थी विभक्ति भवति, यथा जैसे देवदत्तय यज्ञदाताय सतम धारयति, यानी देवदत्त यज्ञदाता के लिए
यज्ञदाता का 100 रुपए का क्या है ऋणी है, देवदत्त या यज्ञदत्त का 100 रुपए का क्या है ऋणी है, धारण करना ऋणी एक ही बात है। तो यज्ञदाता में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। अगर पूछा जाए कि रेखांकित पदे विभक्ति कारणम च लिखत, तो आपको करना होगा यानी कि धार्यति जो है, यानी कि धार्यति पदे धा धातु धारे, यानी कि धारे रुत्तमरण है, आपको यही लिखना होगा। ठीक है सूत्र, धारे रुत्तमरण है यज्ञदाता शब्द चतुर्थी विभक्ति वर्तते। इसके बाद है तादर्थे चतुर्थी विभक्ति, तादर्थे चतुर्थी विभक्ति जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है, तादर्थे यानी कि जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है उस प्रयोजन वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है या लगती है। यथा जैसे सै मोक्षाय हरिम भजति, सै मोक्षाय हरिम भजति यानी कि प्रयोजन क्या है मोक्ष, ठीक है ना, वह मोक्ष के लिए हरि को क्या करता है भजता है। कि जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है उस प्रयोजन वाचक शब्द में कौन सी विभक्ति लग जाएगी, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। अब मोक्ष के लिए हरि को भज रहा है, हरि का भजन किसके लिए कर रहा है मोक्ष के लिए, इस प्रयोजन के लिए वो हरि का स्मरण कर रहा है, इसलिए इस मोक्ष शब्द की क्या हो जाएगी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और इसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। रेखांकित पदे विभक्ति कारणम पूछे तब आपको करना होगा तादर्थे, तादर्थे योगे मोक्षाय शब्दे चतुर्थी विभक्ति वर्तते। अगला उदाहरण हमारे पास शिशु दुग्धाय क्रदंती, शिशु दूध के लिए क्या करता है रोता है विलाप करता है, जब उसको दूध चाहता है भूख लगती है तो क्या करता है रोता है। ठीक है, तो किसके लिए कर रहा है दूध के लिए कर रहा है, तो दुग्धाय यहाँ पर क्या हो गई संप्रदान संज्ञा हो गई शब्द की और इसमें चतुर्थी व्यक्ति का क्या हो गया है प्रयोग हो गया है। ठीक है, और कारक कौन सा हो गया संप्रदान कारक हो गया है, कारण पूछा जाए तो इसमें कर देना है तादर्थे योगे दुग्धाय पदे चतुर्थी व्यक्ति वर्तते। इसके बाद है कथिये, कथिये का होता है कहना, निवेदिये निवेदन करना, उपदेश उपदेश देना, धातु योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, यानी कहना निवेदन करना उपदेश देना, कथिये निवेदिये उपदेश इन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा जैसे पहला उदाहरण है अतुल नवलाय कथयति, अतुल नवल को कहता है, तो यहाँ पर कथ यानी कि कथिये आ गया, कथ धातु हो गई तो नवलाय किसको कह रहे हैं नवल को, तो नवल शब्द में कौन सी युक्ति हो गई चतुर्थी, चतुर्थ अकारांत पुल्लिंग है चतुर्थी एक वचन में आ जाएगा आय प्रत्यय, ठीक है तो क्या हो जाएगा नवलाय। अगर रेखांकित पद में कारण और विभक्ति पूछा जाए तो आपको करना होगा कि कथिये योगे नवलाय शब्दे चतुर्थी विभक्ति वर्तते। इसके बाद है दूसरा शिष्य गुरुवे निवेदयति, शिष्य गुरु से निवेदन करता है, ठीक है तो किससे निवेदन कर रहा है शिष्य गुरु से, तो गुरु शब्द हमारा उकारांत पुल्लिंग शब्द है और उकारांत पुल्लिंग शब्द में प्रथमा एक वचन में है, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में है गुरुवे, ठीक है गुरुवे निवेदयति, तो यह रेखांकित पद में गुरुवे चतुर्थी व्यक्ति है संप्रदान संज्ञा हो गई है इसकी और विभक्ति कौन सी है चतुर्थी है। ठीक है, रेखांकित पद में अगर पूछा जाए कारण और विभक्ति तो आपको बताना होगा निवेदिये निवेदिये योगे गुरुवे शब्दे चतुर्थी विभक्ति वर्तते। इसके बाद हमारा अगला उदाहरण है साधु सज्जनाय उपदेशति, साधु सज्जन को क्या देता है उपदेश देता है, तो सज्जनाय किसको दे रहा है उपदेश सज्जन को दे रहा है, तो उपदिश योगे सज्जनाय पदे चतुर्थी विभक्ति वर्तते। ठीक है, इस प्रकार से हमें रेखांकित पद में कारण और विभक्ति बतानी है। ठीक है, इसके अलावा यानी कि इसके साथ साथ हमें ये सूत्रों का भी ध्यान रखना है और सूत्र के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि नमय के युग में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, स्वस्ति स्वाहा श्वेदा वसट अलम धारे रुक्तमरणय इनके युग में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन सभी सूत्रों को आपको अच्छे से याद करना है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।